हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10 मैथ। मैं एक्सरसाइज 1.1 पहले ही करा चुका हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें ए पार्ट दिया 140। तो इसमें हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका हमें सिंपली प्राइम फैक्टर्स करने, ये आपने पहले भी किए होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, पहले स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते हैं सबसे। तो स्मॉलेस्ट, इसके पीछे जीरो आ रहा डिजिट, तो इस किससे कटेगा, टू से। टू से सेवन बार, जीरो का जीरो, टू से 35। फिर 35 किससे कटेगा, फाइव से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट का फाइव। फाइव सेवन जा 35, सेवन वन जा सेवन। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन, यही हमारा आंसर है। इसका बी पार्ट दिया 156। 156 के प्राइम फैक्टर करने, यूनिट डिजिट क्या, सिक्स। तो यूनिट डिजिट सिक्स है तो किससे कटेगी, टू से। टू सेवन जा 14, टू एट जा 16। फिर एट है यूनिट डिजिट, तो ये भी टू से कटेगी। टू थ्री जा सिक्स, टू नाइन जा 18। अभी थ्री से कट जाएगी, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, और 13, 13 से ही कटेगी क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 13। और इसमें थर्ड पार्ट दिया 3825। इसके प्राइम फैक्टर, तो पहले हम देख लेंगे, टू से तो नहीं होगी डिवाइड, थ्री से देख लेते हैं। थ्री एट 11 टू 13 एंड 5 18, तो 3 से कट जाएगा। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 सेवन जा 21, 3 फाइव जा 15। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 फोर जा 12, 3 टू जा 6, 3 फाइव जा 15। ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एट जा 40, 5 फाइव जा 25। फिर ये 5 से कट जाएगा 17 टाइम्स, और 17 वन जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप अगले दो पार्ट्स को आप खुद कर सकते हैं, ये सिंपली हो जाएंगे आराम से। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमें पार्ट वन दिया 26 एंड 91। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स करने हैं नंबरों के, 26 के एंड 91 के। तो 26 के 2 से 13 टाइम्स जाएगा, और 13 13 से ही डिवाइड होगा। ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये 91 7 से कटेगा 13 टाइम्स, और 13 वन जा 13। तो अब आप इसे लिख लेंगे, 26 के क्या है प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 13, और 91 के 7 इंटू 13। तो एस सी एफ क्या होता है हमारा, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है, 13, तो यही होगा हमारा एस सी एफ। और एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। तो इसमें 2 है प्राइम, 7 भी प्राइम है, और जो कॉमन आया उससे एक बार लिखते हैं 13। तो ये आ जाएगा 13 फोर जीरो 52, 2 5 13 वन जो 13 एंड 5 18 182। अब इसे हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई डैट एल सी एम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम। तो टू नंबर्स हमारे पास क्या हैं, 26 एंड 91, तो इनकी प्रोडक्ट कर लो 26 इंटू 91। एस सी एफ कितना हमारे पास, 13, और एल सी एम 182। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 26 इंटू 91 की करेंगे तो 2366, और इसकी भी करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा 2366। जब आपके इक्वल आ गए तो ये हो गया वेरीफाइड, तो नीचे आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही अब आप पार्ट बी को और कर लेते हैं, सेकंड को। सेकंड पार्ट दिया
510 एंड 92। आप पहले तो प्राइम फैक्टर करेंगे अलग अलग, 510 का 2 से जाएगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 3 से सब डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये 5 से 17 टाइम्स, और 17 1 जा 17। ऐसे आप 92 के कर लेंगे, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 23 से 1 1। अब आप इसके प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर देंगे, 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के 2 × 2 × 23। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर 2 ले लेंगे हम, जो कॉमन है एक बार, फिर एक और 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 17 है और फिर 23। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, और 60 के इसमें करेंगे तो 17 6 जा 102, तो ये आएगा 120 में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 की, 23 0 आएगा, 23 46 और 23 23, तो ये आ जाएगा 23460। अब आपको इसे वेरीफाइड भी करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो टू नंबर क्या दिए थे हमें, 510 एंड 92, और हमारा एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम आया था 23460। अब आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे 510 में 92 की, तो यह आएगा 46920। और आप इसकी भी करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा 46920, तो ये इक्वल आ गए, तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट को आप खुद ट्राई कर लेना। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है आपको, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 15 एंड 21, तो इसमें तो आप सबसे पहले सेपरेटली इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, 12 का निकालेंगे सबसे पहले, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे फिर आपको 15 का निकालना है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, फिर 21 का 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब आप इसे यहाँ एक्सप्रेस कर लेंगे, 12 का क्या आया है 2 × 2 × 3, 15 का 3 × 5 और 21 का 3 × 7। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, 3, और एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो 2 × 2, एक 3 कॉमन आया था, और 5 × 7, तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420, तो आपका एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420, यही आपसे पूछा था। पार्ट बी करते हैं इसमें 17 23 एंड 29, तो 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17, 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 1 जा 29। तो एस पहले इसे एक्सप्रेस कर लो, 17 × 1 आएगा क्योंकि 1 सब में रहता, 23 का आएगा 23 × 1 और 29 का 29 × 1, 1 इसमें कॉमन है तो एचसीएफ कितना आएगा, 1, और वैसे भी हर प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 ही होता है, अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स हो या को प्राइम हो उनका एचसीएफ 1 रहता है। एलसीएम में इसमें कुछ भी कॉमन है, ये 1 है कॉमन, और बाकी 17 बच रहा है, 23 बच रहा है, 29।
आप इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे 17 × 23 और फिर इसमें 29 की करनी है। ये आएगा 11,339, ये आ गया आपका एलसीएम और एससीएफ आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पार्ट को आप खुद ट्राई करना है इसके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है गिविन डैट एससीएफ ऑफ टू नंबर्स 306 and 657 = 9 फाइंड एलसीएम। अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी पीछे प्रोडक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एससीएफ इनटू एलसीएम। इसमें आपको दो नंबर दिए हैं तो हम इसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं 306 × 657। एससीएफ हमें गिवन है 9 और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो ये 9 इधर प्रोडक्ट में, तो हम इसे इधर डिवाइड में ले आएंगे 306 × 657/9 = LCM। तो 9 से कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36 और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट कर लेते हैं 657 में 34 की, तो ये आ गया 22,338। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें नंबर क्या दिया, 6 की पावर n, और कभी भी आपको 0 बनानी है तो आपको क्या चाहिएगा, 0 किससे बनती है, 2 और 5 के पेयर से। इससे हमें 10 मिलेगी। ऐसे ही अगर 20 चाहिए तो हमें 2 × 5 दो बार करनी पड़ेगी जब हमें 20 मिलेंगी। मतलब 10 बनाने के लिए हमें 2 × 5 का 1 पेयर चाहिए। हाँ पूछ रहा है अगर यूनिट डिजिट 0 हो, तो हाँ कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6 को हम क्या लिख, 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 n। अब आप देख सकते हो इसमें 2 है हमारे पास लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें कोई भी 0 नहीं बनेगी। तो हमें लिखना है बी डोंट हैव 5 एज ए फैक्टर ऑफ 6। 6 के फैक्टर करने पर हमें कोई भी 5 नहीं मिले, सो वी डोंट हैव एनी पेयर ऑफ 2 × 5। हमारे पास 2 × 5 का कोई पेयर नहीं है, तो देयरफॉर, इसलिए देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले आपको समझने कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2। जैसे कि अगर हम 2 लें तो 2 के 1 and 2 ही फैक्टर हैं, 1 and 2, तो इसके 2 हैं तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसे ही 3 के 1 and 3 हैं तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 के 1 से भी 4 डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी, तो इसके मोर देन 2 हैं तो एक 4 कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। और कंपोजिट नंबर ऐसे भी समझ सकते हैं जो कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है लेकिन 1 से बड़े, ग्रेटर देन 1। तो 6 क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर बताना, तो इसमें पहला पार्ट दिया 7 × 11 × 13 + 13, तो इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ रहेगा 7 × 11 × 1 + 1, तो ये आएगा 13
सेवन इंटू इलेवन 77 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 78। तो अब यहाँ आपको एक मिल रहा है 13, एक मिल रहा 78। तो दो फैक्टर ये हो गए 13 एंड 78, और 1 सब का होता ही है, एक इसका 1 भी हो जाएगा। तो इसके मोर देन टू फैक्टर हो गए, तो हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। जिसके भी मोर देन टू फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे इसका पार्ट भी है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो 5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो ये रहेगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 1009। तो 5 × 1009 हो गया ये, और एक फैक्टर सभी का होता ही है, एक सबका होता है। तो इसमें भी मोर देन टू फैक्टर हो गए, तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर हमें 7 दिया है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कोई सर्कुलर पाथ है, उसमें एक सोनिया है, सोनिया 18 मिनट ले रही है इसका पूरा राउंड कंप्लीट करने में, जबकि रवि ले रहा है 12 मिनट पूरा राउंड कंप्लीट करने में, और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें सोनिया कितना ले रही है, सोनिया टाइम ले रही है 18 मिनट्स, वाइल रवि ले रहा है 12 मिनट्स। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, तो हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे कितनी मिनट बाद दोनों मिलेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमें बताएगा कि कितनी मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो हाँ लिख सकते हैं हम एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 विल गिव द टाइम ऑन आफ्टर विच दे विल मीट। तो एलसीएम हमें आता ही है निकालना, 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे ही 18 है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसे हम एक्सप्रेस कर लेंगे 12 को, 2 × 2 × 3 एंड 18 = 2 × 3 × 3। कॉमन क्या है इसमें, 2 है इसमें 3। तो एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, 2 इसमें कॉमन है और जो बाकी बच गया उस 2 को लिख लेंगे, इसमें 3 कॉमन है और जो एक 3 बच गया उसे भी लिख लेंगे। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो हमारा आंसर आ गया 36। तो हम लिख सकते हैं हैंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।